स्तुति सर पृथ्वी का सृजनहार प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। तो हम ऐसे प्रतीकों के संग साथ होना और हमें आशीष से भरपूर करना, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो दया करके सुन और ग्रहण कर। हैप्पी शाबाश महिला दिवस के आज इस अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं बगल राम जोत चर्च की तरफ से, और पुरुषों को भी हम लोग स्वागत करते हैं। और आज क्या ही सुंदर दिन है कि हमें मौका मिला है कि हम ईश्वर के वचन को पेश कर सकते हैं, ईश्वर को काम को आगे बढ़ा सकते हैं। साल में एक बार नहीं पर बार बार हम इस प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं। हम लोग हमारे महिलाओं के बीच में उत्साहित होनी चाहिए और हम इस प्रोग्राम को ईश्वर के काम को सारे जगत में फैला सकें। सिर्फ पादरी प्रचार ही नहीं पर हर घर में हर महिला अपने परिवार को अपने बच्चों को इस वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले बनने सके प्रभु। और आज हम इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो मिलता है मत्ती 18 का 10-14। हम लोग पढ़ेंगे को तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई हूं को बचाने आया। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हो और उसमें से भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटके हुए को ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो तो उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उस 99 भेड़ों के लिए जो भटके नहीं थे इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। यह इतना सुंदर वचन लिखा है कि 99 भेड़ों को छोड़कर हम एक भेड़ के पीछे जाते हैं और उसको जब पाते हैं तो बहुत कितना आनंद कितना खुशी हमारे जीवन में हमें मिलता है। दूसरा वाला फिर बच के एक ही चीज़ है। धन्यवाद। इस समय हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी में से हम लोग गाएंगे 49 हिंदी में 49। सब कोई खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फना पाऊँगा, यीशु मेरा मुझी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ।
उठाएंगे और अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पिता परमेश्वर, लाखों धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने पूरा सप्ताह भर हम सबों के साथ था, हर प्रकार की कामों में तू मदद की। अचानक मृत्यु दुर्घटना से बचाया और सुंदर सब्बत भोर में हम यहाँ उपस्थित होकर हम तेरे महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। विशेषकर आज हम महिला दिवस पालन कर रहे हैं, हम इस समय तेरे उपस्थिति चाहते हैं। आज की आशीष हमें दिया कर प्रत्येक महिलाओं को लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी जो भी असुविधा है तो जानता है, उसे तो सुधी ले। और इसी तरह हर जगह या जहीं कहीं ऐसे ही आज महिला दिवस पालन किया जा रहा है, वहाँ भी तेरे उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरे आशीष हो। और विशेषकर आज इस समय हमारे बीच मिसेस बिना लकड़ा हमारे लिए जो भी संदेश आत्मिक संदेश देगी बाइबल से, उसमें तेरा आशीष हो। हम जितने सुनने वाले हम सुन सके और अपने दैनिक जीवन के लिए व्यवहार करने सके। बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किए हैं, हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर। छोटे विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दयाकर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। महिला सब हम सामने आएंगे। Leave.
आप सबों को, जैसा हम देख रहे हैं पर वुमेन्स मिनिस्ट्री प्रोग्राम महिलाओं का दिवस मनाया जा रहा है और इसमें आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। और हम मैं अपने पासवान को भी धन्यवाद देती हूँ जो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारी अगुवाई की है। और आप सभी जहाँ यहाँ पर उपस्थित हैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ और सबको परमेश्वर बहुत ऐसा की आशीष देवे। और हम जैसे देखते हैं कि आज का सरमन है यहाँ पर है एंड इट नाउ, अब बस करो, ये हमारा टाइटल है। लेकिन आज का जो हमारा जो उपदेश का जो सरमन है, जो उपदेश है, जाओ मेरी भेड़ को ढूंढो, जाओ मेरी भेड़ को ढूंढो, ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है आज हम सबों के लिए, आज हम सबों के लिए या प्रभु यीशु मसीह की ओर से यह आदेश है। जैसा हम लेसन स्टडी में भी देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जाने का समय हो गया था और उनको सिखा रहे थे कि मेरे जाने के बाद आप लोग किस तरह से जो काम तुम लोगों को मैंने सिखाया है उसको करो। तो यही है आज उनका आदेश है कि जाओ मेरी भेड़ों को ढूंढो। मैं आप लोगों के सामने जो स्क्रिप्चर रीडिंग पढ़ा गया था उसको फिर से पढ़ना चाहती हूँ। जो मिलता है मत्ती 18 का 10 से 14 और मत्ती 18 का 10 से 14 इसमें यही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो इसका शीर्षक है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत और यहाँ लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है या इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। और दूसरा हम पढ़ेंगे लूका 15 का 1 से 7, लूका का किताब 15 का 1 से 7 को अगर हम पढ़ते हैं और इसमें ये लिखा हुआ है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, या तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए और सुंदर मौके के लिए जो तू हमें दिया है। और इस समय विशेष रूप से मैं अपने लिए दुआ करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी वचन मैंने तैयार किया है प्रभु, जो मुझे पेश करना है उस पर तेरी विशेष अगुवाई हो, मदद हो, ताकि ये वचन के द्वारा
सुनने वाले और हर कोई बहुतायत की आशीष से भरपूर हो जाए, आत्मिक उन्नति प्रेम में आत्मिक उन्नति पाते जाए और तेरे निकट बने रहे। तो हम में से प्रत्येकों को आशीष से भरपूर करना। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसा मैंने कहा कि आज हमारा जो सरमन है या वचन है, जाओ मेरी भेड़ों को ढूंढो, और परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह आज हमें यह आज्ञा देते हैं, भेड़े कौन है, कौन भेड़ खो चुकी है और किसको आज्ञा देता है प्रभु यीशु मसीह कि उन खोई हुई भेड़ों को हम क्या करें, ढूंढे। यहाँ मत्ती 18 का 11 में लिखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। वचन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, क्योंकि आदम के पाप करने के बाद पूरे संसार में पाप आ गया और हम जितने भी लोग इस संसार में हैं हर कोई क्या हो गया, पापी हो गए हैं, और पाप के कारण हम परमेश्वर से क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। जिस रीति से आदम और हवा परमेश्वर के साथ वो बने रहते थे, परमेश्वर के साथ वो संगति करते थे, परमेश्वर को वो आमने सामने देखते थे, लेकिन पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हर पापी बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हर पापियों के लिए अपना जान दिए, ताकि हर कोई उसके लोहू बहाने के द्वारा, उसके जान देने के द्वारा हम सभी को क्या हो जाए, बचाए जाएं और उस अनंत राज्य में हम जा सकें। और जैसे हमने ये स्क्रिप्चर रीडिंग में हमने पढ़ा और हम देखते हैं कि मत्ती 18 का 10 का 14 और लूका 15 का 1-7, यहाँ दोनों लेखक मत्ती और लूका यहाँ पर हमें क्या करता है, भेड़ चराने के दौरान उस समय एक भेड़ खो जाती है, और जो भेड़ खो जाती है तो उस भेड़ को ढूंढने के लिए ये क्या, ये कार्रवाई करते हैं, वो उस भेड़ को ढूंढने के लिए वो जंगलों में पहाड़ों में जाते हैं, और जब तक वो भेड़ नहीं मिलती है तब तक वो 99 भेड़ों को छोड़ करके वो घर में सुरक्षित रख करके वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं। यहाँ कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है यीशु एक महत्वपूर्ण बयान पेश करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान, जो परमेश्वर पिता की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसकी भेड़ों को खो जाने से बचाएं। और यहाँ लुका रचित सुसमाचार में यीशु परमेश्वर पिता के उस हर्षित हृदय की एक अद्भुत तस्वीर पेश करते हैं, और यहाँ कहता है यहाँ लुका रचित सुसमाचार में ये बताया जाता है कि जो भेड़ खो गई थी और उसको ढूंढने के लिए वो निकला, और जब वो भेड़ को पाता है और उसको वापस अपने घर में ले आता है, और उस खुशी में भेड़ को मिल जाने के बाद उस खुशी को खुशी के लिए वो जश्न मनाता है अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बुला करके। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर पिता की उसकी इच्छा हम सबों के लिए क्या है। मत्ती 18 का 14 में ऐसा लिखा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो नहीं चाहते हैं, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक जन बचाए जाएं, उस अनंत राज्य के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए हर कोई बचाए जाए। यहाँ बोलते हैं एक छोटे से छोटे जन भी इस पाप में संसार में भटक ना जाए, वो नाश ना हो, पर हर कोई उस अनंत राज्य में, उस स्वर्गीय राज्य में के लिए वो बचाए जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भेड़ जो खो गई थी, भेड़ क्यों खो गई, यहाँ सवाल है, भेड़ क्यों खो गई,
और खोने भेड़ का खोने का कारण क्या था? क्या इससे जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया? क्या वह खुद भटक गई? क्या बाकी भेड़ों से इसकी नज़र हट गई? क्या बाकी भेड़ों से इसकी नज़र हट गई या क्या यह बाकी भेड़ों का पीछा करने में असमर्थ थी? तो उस भेड़ खोई हुई भेड़ के बारे में आज हम लोग सीख रहे हैं। और जब भेड़ खो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम जो उस 99 भेड़ों की झुंड में हैं, आज हमारे लिए ये आदेश है, ये आज्ञा है कि हम उन भेड़ों को, उन लोगों को हम ढूंढ कर लाए, अपने चर्च में शामिल करें। हम यहाँ पर यह कल्पना करने की कोशिश करें कि वह भेड़ जो खो गई है और अन्य 99 भेड़ों के झुंड से दूर अकेले में है, अपने आप में क्या महसूस कर रही है। अकेले जंगल में, अंधेरे में वो खो गई है, वो अपने में क्या महसूस कर रही है? हो सकता है बहुत सारे उसके मन में विचार आ रहा होगा, मैं इस जंगल में, झुंड में, भीड़ में मैं क्या हो गई हूँ, खो गई हूँ, अब मैं घर वापस नहीं जा सकती हूँ। हो सकता है कोई जंगली जानवर आकर के मुझे क्या करेगा, चीर फाड़ करके खा लेगा और मैं अपने झुंड में वापस फिर कभी नहीं जा सकती हूँ। तो आज इसी तरह से खोज करने से पता चलता है कि कई लोग हैं संबंध या दूर व्यवहार के कारण बहुत सारे लोग आज चर्च आना बंद कर दिए हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं वो चर्च नहीं आ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए आए कि हर कोई चर्च में शामिल हो, उस 99 भेड़ों के झुंड में शामिल हो। क्योंकि हमने मत्ती 18:14 में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी इस पाप में, संसार में खो जाएं या हमेशा हमेशा के लिए वो नष्ट हो जाएं। और हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं अपने आप को इस कलीसिया के सदस्य मानते हैं या चर्च में, इस कलीसिया में, चर्च में आते हैं, लेकिन फिर भी उनको अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन हो सकता है किसी के दुर्व्यवहार के कारण, हो सकता है किसी न किसी के कारण हमें चोट पहुंची है, किसी के बातों से हमें चोट पहुंची है। तो चर्च तो आते हैं लेकिन वो अकेलापन महसूस करते हैं, अपने निजी जीवन से वो छूट गए हैं ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों की ओर संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं कि बोलता है प्रभु उन कारणों की ओर संकेत करते हैं जिनके कारण भेड़ तितर बितर हो गई है। आज हमारे कलीसिया में भी हम सब कोई क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के भेड़े हैं, और हम उस 99 भेड़ के झुंड में हम क्या एकत्रित हो जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे हम सबों को लेने के लिए, हम में से कोई भी इस संसार में ना छूटे। वो चाहते कि हम हर कोई उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। अगर हमारे बीच से कोई ऐसे लोग हैं जो खो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस चर्च से अलग हो गए हैं, वो चर्च में आना पसंद नहीं करते हैं, वो या उनको समय नहीं लगता है, लेकिन हम उनके लिए हम खास क्या करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ हम मिले, उनसे बातचीत करें और उनको हम क्या करें, कलीसिया में ले करके आएँ। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। यहेजकेल 34:3-4 में प्रभु उन गैर जिम्मेदार चरवाहों के से कहते हैं, क्या कहते हैं हम यहाँ देखेंगे। यहेजकेल 34:3-4 यहाँ पर कहता है कि ये जो गैर जिम्मेदार चरवाहे कौन हैं और वो क्या करते हैं। यहाँ लिखता है यहेजकेल 34:3-4 में लिखता है, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो
परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों को घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा ले आए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। तो यहाँ यहेजकेल यहाँ क्या कहता है उन गैर जिम्मेदार चरवाहों के लिए, हम ऐसा ना करें। हम क्या करें, वो जो भेड़ जो लोग खो गए हैं, भटक गए हैं, हमें उनको समेटना है और परमेश्वर के चरणों तले ले आना है। यहाँ कहता है दुर्व्यवहार पीड़ितों को यह जानने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों की परवाह करते हैं, सब की वह चिंता करते हैं, सबको वो प्यार करते हैं और सबको वो बचाना चाहते हैं। और अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, और जो लोग खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए, उनकी तलाश करने के लिए हम लोगों को वो बुला रहे हैं कि हम उनको उन भेड़ों को जो खो गए हैं, उन लोगों को जो खो गए हैं उनको ढूंढने में हम क्या करें, मदद करें। और उस एक भेड़ को जो बिछुड़ गई है उससे ढूंढने में आपकी, मेरी और दूसरों से मदद करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। और उन लोगों को चर्च परिवार में सुरक्षा के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं हम आखिरी समय में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग आज परमेश्वर से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं। तो हमारा जिम्मेवारी क्या है, मेरी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी, आप सबों की जिम्मेदारी ये है कि हम जब जानते हैं जो भीड़ या जो लोग भटक गए हैं उनको हम क्या करें, वापस हम चर्च में हम ले आए, उनकी देखभाल करें और उनको मसीही उन्नति में हम बढ़ने के लिए उनकी मदद करें। रोमी 12:15 में कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोओ। यह हम देखते हैं कि कई बार लोगों को ये पता नहीं होता है और दुर्व्यवहार का खुलासा होने पर क्या करना चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे चर्च में लोग आते हैं, कभी कभी हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन दुर्व्यवहार करने के बाद अगर हम उनको चोट पहुंचाते हैं तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हमें बड़ी सावधानी बरतने पर भी हम क्या हो जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है। तो और उसका परिणाम क्या होता है कि आम तौर पर पीड़ित को बहिष्कृत कर दिया जाता है, वो दुखी या पीड़ित को हम क्या करते हैं, अपने उस झुंड से हम उनको बाहर कर देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, उस झुंड में हम शामिल करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जेन करके एक औरत है, जेन नाम की है, और उसके बारे में एक कहानी यहाँ पर दी गई है। कहानी तो नहीं है, ये सच्ची घटना है और हम देखते हैं कि आज दुनिया में ये बातें हो रही है। तो जेन है, एक लोकप्रिय प्रचारक से उसकी शादी हो जाती है और वो बड़ी खुशी और आनंद के साथ रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं और बाहर से उनका परिवार ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ही सुखी है, बहुत ही आनंद से वो रह रहे हैं। लेकिन यहाँ कहता है, जेन यहाँ पर बताती है कि उसका शारीरिक, यौन और वित्तीय शोषण कई सालों से वो इन बातों को वो झेल रही है और वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही चिंतित है और कहता है कि वो इसके लिए, इस परेशानी से, ये सारे बातों से छुटकारा पाने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है और बोलता है कि कई वर्षों तक वह प्रार्थना करती है और अलग अलग बुजुर्गों से
और पादरियों के पास जाती है, वो सहायता मांगती है, और लेकिन यहाँ कहते हैं उसके बाद भी उसका जीवन में वही बात बनी रहती है, उसका जीवन उथल पुथल हो जाता है और उसके लिए अब वो सहन से बाहर हो जाता है। अब जेन फैसला कर लेती है कि अब वो इस शादी जीवन शादी का जो रिश्ता है उसको वो क्या कर दे, छोड़ दे या ख़त्म कर दे। और देखते हैं जेन वहाँ सबक स्कूल, हमारी तरह चर्च में वो सबक स्कूल की संचालक थी और खुद और अपने खुद की और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो खोज करने लगी। और काफ़ी समय हो गया और यहाँ देखते हैं चर्च को लगा कि वह अब नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है और उसे पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और यहाँ जब ऐसा होता है तो लोग वहाँ जो थे उसके विरोध में चुगली करते थे और उसके अपने कर्तव्यों से विमुख किए जाने के कारण उसे सेवा से हटा दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। और यहाँ कहता है जब उसे उसकी सेवा से उसको हटा दिया जाता है, अब वो चर्च जिसमें वो जाती थी उसके लिए एक असहनीय जगह हो जाती है और वो चर्च जाना भी नहीं चाहती है और फिर बाद में वो करती है चर्च जाना छोड़ देती है। और यहाँ कहता है जेन को चर्च परिवार से अलग कर दिया जाता है और जेन अब एक खोई हुई भेड़ की तरह हो गई है और उसका और इतना वो दुखी हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है कि उसका भरोसा परमेश्वर से भी वो क्या होता है, हट जाता है। यहाँ लेख में आगे कहा गया है विश्वास स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रकाशित अनुमान विश्व स्तर पर यह संकेत देते हैं कि दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन उत्पीड़न के शिकार हुई हैं। आज हम देखते हैं, जब हम न्यूज़ में देखते हैं तो हम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे लोगों को हम अपने झुंड से कभी ना निकालें, उनको ना छोड़ें। और जब यहाँ हिंसा उनके मन में क्या होती है, हिंसा पैदा हो जाती है और जब हिंसा की जो पैदा होती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि हत्या या आत्म हत्या, कभी कभी उनकी हत्या भी कर दी जाती है और कभी कभी खुद इतना परेशान हो जाती है वो झेल नहीं सकती इस दुख को तो आत्महत्या कर जाती है। हिंसा के इन रूपों से अवसाद अभिघातजन्य तनाव, चिंता, अशांति और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। और कहता है एक कलीसिया के रूप में हम दुखद हालत के को समाप्त करते हुए दुर्व्यवहार के भारी प्रभाव के विपरीत प्रेम में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम क्या करें, हम जैसे जेन के बारे में हमने पढ़ा और वो उसका ज़िंदगी बहुत ही दुखित जीवन था, वो परेशान थी और उससे उस कलीसिया से भी और उसके काम से भी उसको हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है बल्कि हमें बड़े प्रेम से उनको क्या करना है, अपने उस झुंड में मिला करके रहना है। हम लोगों को प्यार देकर सुरक्षा के घेरे में उन्हें एक साथ ला सकते हैं। चरवाहे ने 99 अन्य लोगों को खोई हुई भेड़ों की खोज करने के लिए जिम्मेदार सौंपी है। आज हम कलीसिया में हैं, हम परमेश्वर के निकट हैं, उसके भवन में उपस्थित हैं, तो हम 99 भेड़ों के झुंड में हैं और हमारा काम क्या है कि उन भेड़ों की खोज करें जो खो गई हैं, जो भटक गई हैं। और हमें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम उन लोगों को वापस अपने कलीसिया में लाएं और उन्हें शामिल करें। मसीह इस बात पर जोर देते हैं जब चरवाहा खोई हुई भेड़ को पाता है वह आनंदित होता है और जब वह भेड़ उसको मिलता है वो बहुत ही खुशी होता है और उस भेड़ को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे घर ले आता है। और बोलता है जो चौकस चरवाहा है वो क्या कहता है, जो अपनी भेड़ों को खोजने और उसे घर ले आने के लिए जो कुछ भी संभव हो वह करेगा, किसी खतरों को से वो नहीं डरेगा, किसी अंधकार से नहीं डरेगा, लेकिन उस भेड़ को वो क्या करेगा, ढूंढेगा
और अपने उस झुंड में वो क्या करेगा, वापस अपने उस घर में वापस ले आएगा, क्योंकि वह चरवाहा हर एक की परवाह करता है। आइए हम इस एक चर्च के रूप में भेड़ों की देखभाल करना और सुरक्षा प्रदान करने की एक युक्ति के तौर पर आदर्श बने। खोई हुई भेड़ों के पीछे जाना, उन्हें चर्च की सुरक्षा में वापस लाना हम चरवाहों की जिम्मेदारी है। तो आज हमारा खास जो मकसद है, प्रभु यीशु मसीह का ये आदेश है कि हम उन भेड़ों को, उन लोगों को जो भटक गए हैं, जो खो गए हैं, उनको हम वापस ले आए, ये हमारा जिम्मेदारी है। जेक एक लड़का है और जेक वो 99 भेड़ों की उस झुंड की तरह झुंड में से है और वह कहता है कि वो सिर्फ नाम मात्र के लिए चर्च में आता है। उस 99 भेड़ों के झुंड में तो है, वो रेगुलर चर्च तो आता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए वो चर्च में आता है। अपने आप को बिल्कुल किनारा अकेला महसूस करता है, अपने आप को और लोगों से वो बिल्कुल अलग हो रखता है। कहा जाता है एक बार जेक जब थोड़ा छोटा था और उस समय युवा लड़का था, उस समय जो चर्च का जो एल्डर था उसके द्वारा दुर्व्यवहार के कारण जेक को बहुत ही बुरा लगा और उसे बहुत ही गुस्सा आया। और कहता है कि उसके बाद से वो गुस्सा, वो क्रोध अपने मन में बैठा करके रखा, वो कभी भी वो भूल नहीं सका। उस कहता है कि उसने अनगिनत बार वो क्षमा का उपदेश सुना, अनगिनत बार वो क्षमा करने की कोशिश वो किया, लेकिन जब कभी भी उन बातों को, वो क्षमा करने वाली बात को वो सोचता था तो उसके मन में जो क्रोध बैठा हुआ था उससे वो उभर नहीं सका। और कहता है कि वो अब क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ सका और अब दूसरे चर्च में वो जाने लगा। उस चर्च में से वो अपने आप को अलग कर दिया, अब वो दूसरे चर्च में चला गया। अब कहता है जेक वह खोया हुआ और हर हफ्ते चेहरों में आंसू ले करके वो अकेला रहता था, क्योंकि जहाँ से वो आया था वहाँ पर वो प्यार, वो खुशी वो नहीं पाया और उससे अलग हो करके वो दूसरे चर्च में चला गया। यदि हमें खोए हुओं को ढूंढना है तो हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि उनके लौटने पर उनके साथ क्या करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ देखते हैं कि अगर हम जब उस भेड़ को या खोए हुए लोगों को अगर हम ढूंढते हैं और उनको वापस लाते हैं तो उनके साथ हमें क्या करना है, उनके लौटने पर हमें क्या करना है। जैसे हमने देखा कि जो चरवाहे लुका में हम देखे, मत्ती में देखे, जब वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं और जब वो उसको पाते हैं तो बड़ी खुशी और आनंद के साथ क्या करते हैं, उससे पाते हैं, उठा लेते हैं अपने कंधों में और वापस अपने घर ले आते हैं और वहाँ आनंद मनाया जाता है। लोगों के साथ, मित्रों के साथ वो क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं, भोज करते हैं। भोज करना मतलब वो खुशी को दर्शाता है। अगर इस दुनिया में एक खोया हुआ भेड़ को या खोया हुआ मनुष्य को अगर हम उनको वापस ले आते हैं तो वो खुशी, वो आनंद सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, पर स्वर्ग में भी वो आनंद, वो खुशी मनाया जाता है। खोए हुओं को खोजने के लिए योजना बनाएं। हमें योजना बनाना है कि किस तरह से हम उन लोगों को हम वापस अपने कलीसिया में ले आए। हिंसा को नहीं कहें और इससे समाप्त करने के लिए मिलकर काम करें। अकेला का काम नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये हमारा पादरी का काम है, हमारा एल्डर का काम है या डिकन का काम है। नहीं, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के निकट हैं, हम सब उस 99 भेड़ों के झुंड में हैं और आज हम में से सभी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम मिलकर काम करें। हम कभी भी ना सोचें कि ये पादरी का काम है, पादरी जाए उनको वहाँ पर से जो भटक गए हैं उनके पास जाए, उनको वापस लाए। रे, आज हमारा भी जिम्मेदारी है, हम भी उन्हें क्या कर सकते हैं, उनको
बड़े प्यार से अपने कलीसिया में उस ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। तो आज जो लोग खो गए हैं, भटक गए हैं, वो तितर बितर हो गए हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि उनको ढूंढने वाला, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। तो आइए, हम में से प्रत्येकों का यह फर्ज है कि हम उन लोगों को हम क्या करें, वापस अपने झुंड में या अपने कलीसिया में ले आएं, और हम यही सोचें, सिर्फ हम अपने आप के लिए नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए भी सोचें कि प्रभु यीशु मसीह हमें, हम में से प्रत्येकों को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। यीशु आज हमें अपनी भेड़ों को खोजने के लिए बुला रहा है। हम में से प्रत्येकों को प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसकी आवाज़ को सुने और हम ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या करवाना चाहता है। हम उन खोई हुई भेड़ों को जाएं और ढूंढें। और कहता है, क्या आप यीशु की घायल और खोई हुई भेड़ों की तलाश करने और उनकी देखभाल करने के उसके बड़े अभियान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? आज हम अपने अपने मनों में या ठान ले या निश्चय कर लें, और कभी न सोचे कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही उस अनंत राज्य के लिए बचाया जाऊँ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को बचाना चाहता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी क्यों ना हो, क्या पापी हो, सबों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या बनता है, अगर हम उस सच्चाई में हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम भी उन लोगों के पास जाएं, उन्हें वापस ले आएं, और उस अनंत राज्य के लिए हम उनको क्या करें, तैयार करें। सरमन तो बहुत ही लंबा था, पर मैं बहुत छोटा की हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो जाएगा। तो आज हम इस संदेश को याद करें और बहुत ही सीरियसली अपने जीवन में इन बातों को लें। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि हम चर्च में आए, हम वचनों को हम सुनते हैं, सीखते हैं, बाहर जा कर के हम क्या होते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज हमारे लिए ये काम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हम में से प्रत्येकों के लिए। कोई ना सोचे कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, हम में से हर एक जन के लिए यह काम है, हर एक जन का यह कर्तव्य है। अगर हम जानते हैं उन लोगों को जो भटक गई है, खो गई है, उन सबों को हम क्या करें, बड़ी प्यार से, जिस तरह से वो चरवाहा क्या क्या भेड़ को बड़ी प्यार से अपने कंधों में उठा करके घर ले आया, तो हम भी उनको क्या करें, बड़ी प्यार से उन्हें अपने भवन में ले आए और उस संगति में लाएं। और इस रीति से जब कहता है कि एक पापी के मन फिराने से बोलता है कि स्वर्ग में खुशी होती है, तो हम आइए हम इस काम को करें, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी लगाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ ये काम करें, और प्रभु यीशु मसीह का उस काम को जो उसने अधूरा छोड़ करके गए हैं, उसको हम पूरा करें। परमेश्वर आप सबों का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सभी को खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में, और यदि हम उस खोई हुई भेड़ की तलाश करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए बड़े अभियान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, तो हम सभी को अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमें अपने ये वचन दिए हैं प्रभु, और तू हमें यह आदेश देता है कि हम उन खोई हुई भेड़ों को, उन लोगों को जो इस झुंड से, इस कलीसिया से, इस सच्चाई से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं प्रभु, उनको हम वापस अपने झुंड में ले आए, वापस अपने इस कलीसिया में ले आए, ताकि हर कोई उस अनंत जीवन के भागीदार हो सके। तो हम में से प्रत्येकों के साथ हो, हमारी अगुवाई कर। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, तो अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में दे, और हम तुझसे प्रार्थना करें कि हम ये काम जो तू हमें सौंपा है,
इस काम को हम करें, हम सब कोई मिल करके करें प्रभु, और उन लोगों को जो हमारे झुंड से भटक गए हैं उनको ढूंढने में, उनको वापस अपने कलीसिया में ले आने के लिए हम उस काम को करें। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता जो काम तूने हमें सौंपा है उसको हम पूरा कर सकें। तो हम में से प्रत्येकों के साथ हो, हमें आशीष दे और हमें संभाले रखना, और हमारी सोच विचार अपन हमारी समझ की तू रक्षा रखवाली कर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुन और ग्रहण कर, आमेन। बैठ जाएंगे। मैं इस सुंदर वचन के लिए मैं मिसेस लकड़ा को धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छा से सुने और समझे, और हम यही वादा करेंगे आज की वचन के अनुसार हम अपना दायित्व जो है उसको हम निभाएंगे। और आज की सभा हम लोग अंत करेंगे और आखिरी में हम लोग हिंदी में से गाना गाएंगे 160, और सभा खड़ी हो जाएगी अपने अपने स्थानों में। 160 हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और आखिरी गाना गाएंगे। हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे अपनी स्तुति करा, तेरी हमारे महान दीन दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज सबत का दिन में तू हमें, तू अपने पवित्र भवन में आने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए तू हमारी मदद और सहायता की है। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं प्रभु, और आज हम जितने भी महिलाएं हैं आज का सभा ली प्रभु, और हमें तू बहुत ऐसे आशीष दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज हमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सीखा प्रभु, हमारी मदद और सहायता कर, हमें तेरे डर और भय में चलने के लिए, बढ़ने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु परमेश्वर पिता। हम उन लोगों के लिए खास दुआ करते हैं
जो आज इस झुंड से भटक गए हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन भटके हुए लोगों को जो तेरी कलीसिया से दूर हो गए हैं, वो तेरे प्रेम से दूर हो गए हैं प्रभु, और प्रभु परमेश्वर पिता उनके लिए हम खास दुआ करते हैं। और हम सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो जिम्मेदारी तू हमारे हमें सौंपा है प्रभु, हमारे लिए तू दिए हैं प्रभु, उसको हम बढ़ चढ़ कर करें। और हम आज मन में ये ठान लें प्रभु कि हम उन लोगों को जो आज जो भटक गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको हम फिर से इस कलीसिया में शामिल करें। और जब ये लोग जो भटक गए हैं वापस तेरे कलीसिया में आते हैं, उस झुंड में शामिल होते हैं, तो तू वहाँ स्वर्ग में खुशी और आनंद मनाता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग भी तेरे सामने अपने शिरों को झुकाए हैं, एक एक जन के साथ होना, एक एक जन के मनों में तू कार्य कर प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे प्रेम को जाने पहचाने समझे और तेरे उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें, तेरे उस प्रेम की गहराई को समझे प्रभु। ऐसा करना उनके तकलीफों को, बीमारों को उनके जीवन से दूर करना प्रभु परमेश्वर पिता, और तेरे निकट आ सके। और इसी से प्रभु परमेश्वर पिता यहाँ के कलीसिया के हर एक सदस्यों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, हर एक परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। दिन प्रतिदिन वे तेरे निकट बने रहें, तेरे प्रेम में बने रहें और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए जीवन जिए। हम इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तो हमें से प्रत्येकों को आशीष के साथ हम से विदा कर, और हम अपने अपने घरों को जाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तो हमारी मदद और सहायता कर, और हम जो कुछ भी सुनते हैं सीखते हैं अपने तक सीमित ना रखें, पर हम दूसरों के साथ भी हम चर्चा किया करें, उनको भी बताए करें सच्चाई के बारे में, तो हमें से प्रत्येक के साथ होना। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो दया सुनकर ग्रहण कर। आमीन। और सबों को महिला दिवस का सबको नमस्कार। और मैं बहुत ही खुश हूँ और धन्यवादित हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के हमारे जितने भी साबर स्कूल प्रोग्राम से लेकर के साबर स्कूल स्पॉन्सर मिसेस गीता चौधरी और निगमा स्वर्ण, और साबर स्कूल टीचर मिसेस एस सिंह, जो आज बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको साबर स्कूल के माध्यम से समझाने की कोशिश की और बहुत ही साबर स्कूल अच्छा से पढ़ाई। इसके लिए मैं मिसेस सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में जितने महिला जो खास गाना गाए उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जिन्होंने आज का ओपनिंग कलेक्ट किए, रिया और प्रियता, आप दोनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में आज का जो हमारे स्पीकर है मिसेस बीना लकड़ा, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ में जो हमारे सहयोगी है मिसेस आर्मी और मिसेस बीना जी डुंडू को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उससे बढ़कर मैं आप सब जितने आज धैर्य दे करके आज के सारे प्रोग्राम को सहयोग देने में और सुनने में आप लोग ने सहयोग दिए हैं, इसके लिए आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे जितने भी यहाँ पुरुष हैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब भी मिल करके आज इस प्रोग्राम को सफल किए हैं। और मैं मिसेस बीना लकड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का जो संवाद हम सब के लिए दिए हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आसपास के लिए बहुत ही लाभदायक ये संदेश आज हम सबको दिए हैं। अगर जैसे बता रही थी तो मेरा तो मन कर रहा था कि पता नहीं मैं तो कहाँ, शायद मेरे जीवन में भी कोई चूक है और शायद मुझसे भी बड़ी भूल हो सकती है। अगर हम महसूस करेंगे तो हम जो है हमारे जीवन के द्वारा से जो हमारे चर्च मेंबर्स हैं, बहुत से कारण से हो सकते हैं कि
चुक जाते हैं और हो सकता है कि उसका हम लोग उनका होने का कारण हम बन सकते हैं। अगर हम अगर ध्यान से वचन को अगर नहीं सुने हैं तो शायद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन अगर हम वचन को ध्यान से सुने हैं तो हम उनके लिए एक आशीष का कारण हम बन सकते हैं। तो आइए आज हम जो वचन सुने उसको हम केवल अपने तक सीमित ना रखें, हम औरों तक भी हम जाएं और बताएं कि परमेश्वर कितना महान है, प्रेमी है, आपसे क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने नीना नबी को छोड़ के एक को ढूंढने के लिए इस धरती में आए और उसने अपना सब कुछ हम सबके लिए क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया। तो आइए हम इस कुर्बान को हम ऐसे जाने ना दें, हम अपने साथ रखें। और जैसे और एक बात है कि हम केवल नाम मात्रा क्या ना रहे मसीह, यहाँ एडवेंटिस ना रहे, हम नाम मात्रा केवल ना रहे, हम काम से भी जाने जाए, नाम से भी हम जाने जाए कि हम एक क्या है, सेवन डे एडवेंटिस कलीसिया के सदस्य है, जो हम आखिरी कलीसिया के सदस्य हैं। तो हम चाहे कि हम जहीं भी रहे हम परमेश्वर के साथ क्या रहे। सावस्पुर में एक चीज़ था बहुत सुंदर, क्या रह सकते हम लोग, मैं थोड़ा सा समझ ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्या रह सकते हम लोग, ईमानदार वफादार हम रहे, मेरा साथ मत रहिए, लेकिन किसके साथ रहिए, परमेश्वर के साथ आप ईमानदार और वफादार रहिए। और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में इतने सारे आशीष बौछार देंगे, जैसे मलाकी की किताब में क्या कहती है, मैं तुझे कैसे आशीष दूंगा, खिड़की खोल के आप परम्पर आशीष की वर्षा दूंगा। सच में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है जो उनके साथ चलना चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ चलना चाहता है, अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे परमेश्वर में आशीष देंगे। धन्यवाद और विशेष बिना लकड़ा को सुंदर वचन के लिए, और आप सबको भी और जितने हैं सबको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज हम लोग आज 24 तारीख है ना, तो आज शायद मैं भी खुश नसीब हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपना जन्मदिन पूरा वो कहते हैं ना 54 से 55 हो गया, 54 से 55 हो गया, और 55 में क्या होते लोग 55 हो जाते हैं। तो आज से शायद मैं 55 जैसा हो सकता है, बहुत सारे बच्चे सब 55 में क्या करते हैं, बहुत सारे शराबी नटखट करते हैं, शायद आज से मेरा जीवन में भी हुई शराबी जीवन शुरू हो जाएगा शायद। तो धन्यवाद आप सबको, और आप सबके लिए आज भोजन का व्यवस्था भी है, हम सब एक साथ भोजन करेंगे और हम लोग खुशी के साथ सबसे विदा होंगे। धन्यवाद। Happy long life to you.
God bless you, we pray. May God bless you, we pray. May God bless you, dear pastor. May God bless you. महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं। आप हम सबों के साथ रहे, हम आपके साथ संगत किए और अभी इस वक्त विशेषकर हम हमारे पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, आपने उनको और एक नया सर देखने के लिए उसका जीवन में दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उनके कामों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, और आपने उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है पिता, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक उनको बहुत समय रखा है, स्वास्थ्य रखा है और आपके काम करने के लिए उन्हें मौका दिया है, शक्ति सामर्थ दिया है। परिवार को, उनके बच्चे दोनों बाहर हैं, उनको भी आपने बड़ा समय रखा, उनको पढ़ाई लिखाई पर आशीष हो और हर प्रकार के चोट एक्सीडेंट बीमारी से आपने आज तक बचाए कर रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस दिन को देखने के लिए आप उनके साथ रहें, जब कल से वो फिर से और एक नए साल में प्रवेश करते हैं आप उनके साथ रहें, पूरे साल भर आपने उनकी देखभाल की, सहायता की, अगुवाई की, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं दिन के लिए और उनका जन्मदिन के लिए कि आपने इसको मौका दिया, हम इस समय के लिए मौका के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह नाम से मांगते हैं, सुना पूरा।